फक मैं भाई, कितनी गलत बात है यार ये, वो देख लिया उसने। ओ लास्ट एपिसोड में ग्रैनी रीमेक के हम लोग दादी की कार सक्सेसफुली लेके भाग गए थे, लेकिन वो हमने किया था मीडियम डिफिकल्टी में। और अभी तो दरवाजा भी रहता है, इसके मेन डोर से इसकी आंखों के सामने से भी भागना है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, आज हम लोग मेन डोर से भागने की कोशिश करेंगे, वो भी एक्सट्रीम डिफिकल्टी में, सबसे हार्ड डिफिकल्टी ग्रैनी की। देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग अ बोनस डे, 5 ही दिन मिलेंगे मेरे को। एंड आई थिंक या ग्रैनी रेगुलर स्पीड से यहाँ पे फास्ट स्पीड है, इसका मतलब फ्लैश बनने वाली है वो। अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बताऊं तो मुझे ये काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन यू नो देखते हैं। ओके, मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं सेफ जगह पे पहुंच जाऊं अपने ऊपर, ताकि मेरे को मूवमेंट करने का थोड़ा सा टाइम मिले। ग्रैनी बहुत तेज, ओफ अभी तो चालू ही। ओह वेट, व्हाट इज दिस इंटरैक्ट, वो क्या था? अच्छा ये इसका इंटरैक्ट था क्या? मुझे लगा मैं घुसंड मार सकता हूँ दादी के। ओके मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अबे अभी तो शुरू ही किया भाई, दरवाजा खोला, दादी मेरे सामने खड़ी है। मैं तो पहला स्टेप की कोशिश कर रहा था, उसने तो पैर ही नहीं उठाने दिया मुझे। वो तो आ गई, मेरी छाती पे चढ़ गई। मेरी दादी को इन दादी की वीडियो दिखाऊंगा। ओ भाई साहब बहुत तेज है वो, होली शिट, अंदर जा, वो तो रॉकेट है भाई, फ्लैश भी नहीं रॉकेट है वो, फ्लैश ज्यादा तेज हुआ, फ्लैश ही है वो। ये ग्रैनी मोटिवेशनल वीडियोस डालने लग जाए ना, मैं अपनी दादी को दिखाऊं फिर। ये बंदी भाई साहब इतनी, ये पीस ऑफ पिक्चर क्यों है यहाँ पे? बोनस डे तो मिलेगा नहीं, इससे क्या मिलेगा फिर? ओके घूम के जाना पड़ेगा भाई यार। ओ आवाज और हो गई, वो आएगी भगी भगी। भाई साहब इतनी स्पीड में कैसे पता चलेगा वो कब में कब आ गई? झांक सकता हूँ मैं? ओके मैं तेजी नाल भागने वाला हूँ, भागो, हटो, पुश करो इसे। ओह सेफ, आ गई दादी। वो ये कितनी फास्ट है वो, इसने कपड़े चेंज कर रखे हैं क्या? व्हाइट कलर का कुछ पहना हुआ है इसने। पीस ऑफ पिक्चर ले जाके देखेंगे नीचे, देखते हैं क्या मिलता है। एक्चुअली अभी ले जाना चाहिए, पहले मैं यहाँ पे देख लूँ, आ रही है ना वो? हाँ देखूँ यहाँ क्या है कुछ। यहाँ भाई बहुत तेज है वो, सीधा नीचे चलते हैं। एक तो ट्रैप्स भी छाएगी ये, उसका भी थोड़ा डर है भाई। बाथरूम में जाने का तो टाइम तक नहीं मिलेगा जेन्युइनली। ओ हट, पुश भाई, दो बटन एक साथ दबाने पड़ते हैं। ओके सबसे पहले पेंटिंग लगाते हैं, फ्लायर्स पड़े। ओ आ गई वो, शिट भाई साहब, उसने तो मेरे को देखा भी नहीं था, मैं उसके पास चला गया, वो मेरे पास नहीं आई। वो पिक्चर मिली भी क्यों जब मेरे पास वो ही नहीं है तो पिक्चर लगाने के लिए? यहाँ पे कुछ है, ये आवाज मैटर करती है क्या? आ रही है वो ऊपर आई थिंक। एक और पिक्चर मिल गई, फायदा क्या पर इसका? ओके इसमें कुछ है, आई मीन ढूंढा ढांडी तो करनी। ओ गैसोलीन है। इसके फुटस्टेप भी एकदम क्लियर हो जाए ना, फिर तो कर लूंगा मैं एक्सट्रीम मोड में भी, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कहाँ से रही है, बचे कैसे बंदे, सोचने का ही टाइम नहीं मिलता। इतने में तो वो भड़बड़ भड़ कर रॉकेट की तरह आ जाएगी। अब ये फुटस्टेप्स तो आ रहे हैं पर क्लियर नहीं है कहाँ पे है वो। मेरे कमरे में तो हो जा ही नहीं सकती, दीवार है नीचे है, इसी कमरे में घूम रही है। इस बुढ़िया का भी समझ में ही ना आता भाई, चक्कर के है। अब वो तेज हो जाते हैं ना उसके फुटस्टेप, तो समझ नहीं आता कि भागो। बरा 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 पकड़ लेगी वो, शिट। ओह भाई साहब फास्ट है वो, ये बंदी बहुत फास्ट है भाई, मैं तो आउट रन भी नहीं कर पा रहा उसे। ओह शिट भाई, ये बंदी तो Day 4 पे आ गया, मैं अभी तो चालू ही की थी। I can't run, my legs hurt. मेरा दिमाग हर्ट हो रहा है ब्रो। ओ भाई इसमें तो इम्पॉसिबल है, मार दे दादी। ओके मैं एक बार और स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा, कर तो मैं सकता हूँ। फुटस्टेप्स बहुत लाउड हो जाए ना इसके फुटस्टेप्स, मेरे को लिटरली पता रहे कहाँ पे है, उस हिसाब से तो मैं खेल जाऊंगा फिर। चक्कर ये है ना यहाँ पे वेपन भी तो नहीं है। ग्रैनी पुरानी वाली में तो एटलीस्ट ये था कि हमारे पास क्रॉसबो थी, 2 मिनट के लिए चली गई, चलो ढूंढने का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे तो ये 24 घंटे घूमती रहेगी। वो क्या रखा है, वो सेफ है क्या? उसका भी कोड मिलेगा। एक तो क्रीकिंग साउंड का पंगा है, भागो भागो। ओ भाई इससे भी क्यों डर गया मैं, इसका तो पता था मेरे को। ओ भाई आली, ओ ये डोर की, नाइस।
ये तो जरूरी चाहिए। चलो अब जाते हैं नीचे। ये क्रीकिंग साउंड थोड़ी सी खतरनाक है, सही बताऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, इनमें कुछ है? रिमोट, ओ आ गई वो। मेरा निकलने का मन ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा वो है कहाँ, साइलेंट हो गया है मामला पूरा। पता चले यही बगल में खड़ी हो, धप्पा कर दे। कुछ साउंड तो कर ड्रामी। ये खड़ी, ओए मैंने क्या प्रिडिक्ट किया भाई, यहीं खड़ी है वो फंस गई है उस क्लोजेट में। वेट, अगर वो फंस गई है तो मैं उधर से नहीं जा सकता चुपचाप, क्योंकि दिखता नहीं है उसे, लेकिन क्रीकिंग साउंड हो गई तो जाऊं। ओ फक, मैं भाई कितनी गलत बात है यार, ये वो देख लिया उसने। ओ ये बंदी तो भाई बहुत डरावनी है यार, एक्सट्रीम में। तो वो फोटो गिर गई मेरे पीछे, सब कुछ सही जा रहा था पर वो फोटो गिर गई। इन्हें भाई ये फुट अच्छे करने पड़ेंगे यार। मैंने एक स्पीड रन देखी थी इसकी, और वो ना लाइक वो एक ही सीड पे खेलते हैं तो उन्हें पता है कौन सी चीज कहाँ पे है। ऐसे तो वरना बहुत मुश्किल है, जेन्युइनली ये चीज ट्राई करना तो बहुत मुश्किल है सच में। मैं ऊपर जा रहा हूँ, किट में ऊपर जा रहा हूँ। बस ये ही एक प्लेस है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं भाई। ओ नहीं, वो गिर जाता अभी, पकड़ लिया भाई। ये क्या घूम रहा है यहाँ पे? आजा दादी, कहाँ है ये? अरे मर ले, आजा इधर भाई। वो घर के बाहर घूम रही है या नीचे बेसमेंट में? अरे यार वो दोबारा अटक तो नहीं गई कहीं? आई नहीं रही है वो, पता चले बेवकूफ पकड़ ले मुझे। ये क्या चीज है? आई नीड अ कोड। मुझे लगता है वो अटक गई है दोबारा वो क्लोजेट वगैरह में। यार वो बेवकूफ भी तो है थोड़ी सी, लाइटनिंग की स्पीड है उसके पास, दिमाग में मांग नहीं है। ओह गॉड, डर भी तो लग रहा है। नहीं आ रही वो आवाज, तक नहीं आ रही उसकी। मरने वाले काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओ ये क्या है? लीवर आर्म। चलते हैं नीचे, मुझे लगता है वो कहीं फंसी पड़ी है, वरना मैंने इतनी आवाज करी इम्पॉसिबल है कि वो आए ना। जाऊं नीचे, ये ड्रामी तो नीचे ही तो नहीं है। अबे ये गेट खुला हुआ है, व्हाट एंटीना, ये खुला नहीं रहता वैसे जहां तक मुझे याद है। ओ उसकी आवाज आने लगी दोबारा, आई थिंक वो रीसेट हो गई। अगर गेम में काफी टाइम तक वो मूव नहीं कर रही है तो आई थिंक रीसेट हो जाती है वो अपने आप। आ गई वो लेफ्ट साइड से आई है। ओके अच्छा है वो उधर ही जा रही है, मैं स्नो से निकल जाऊंगा फिर। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है। ओ गॉड मरा, नहीं वो चेक करेगी वहां पे, लकी बढ़िया। पहले टीवी पे लगाओ इसे भाई, कितनी तो अब ऐसे तो टाइम ही ना दे भाई ड्रामी मेरे को, इतना टाइम तो इसमें। तो इसका मतलब अगर मैंने आवाज करी तो सबसे पहले छुपो जाके। दादी आ रही पीछे से, क्योंकि अब भाई छुप जाते हैं सीधा, आवाज हो गई क्योंकि दुनिया भर की। क्या स्पीड में आती है भाई, क्या रॉकेट है ये। अगर वो वहां जा रही है तो मैं लेफ्ट में जाऊं क्या? वो कार वाला दरवाजा जो है चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ रखा है नहीं। अगर ये बेल बजी तो मैं गया। मरा, इधर से आएगी क्या? आएगी कहां से वो? भाई बहुत तेज है वो, है किसे? मरा। अगर मैंने आवाज करी तो तभी छुपना है मेरे को, मैं भाग भी नहीं सकता, लाइक भाग के जाऊंगा कहां? और मैं तो ले भाई डेथ है ये तो, ले अभी से ये इम्पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है? अबे ये तो ये आवाज ही हो जानी है बार बार। एक तो इसने यहाँ ट्रैप लगा दिया, पहले उस ट्रैप को वो करो। यही है वो, मर गया। कैसे नहीं देखा तूने अंधी बावली? अब पहले वो ट्रैप भी तो हटाना पड़ेगा मेरे को उसका। चली गई क्या? ओके अब फिर चुपो। कैसे होगा ये? डंडा लेके जा रही है और कैसे? इसको कैसे पता? पकड़ ही लिया इसने। हाँ उसने तो जाते देखा मुझे, तो वो बेड के नीचे पकड़ सकती है, यहाँ नहीं पकड़ेगी इस वाले पे। मैं तो भाग भी नहीं सकता। कैसे?
उसने मेरे को थ्रू देख लिया क्या? पता है अपने पैरों की आवाज भी ना क्रीकिंग का पता ही नहीं चलता कि कौन सी आवाज हो रही है और कौन सी क्रीक है। वो पुंक पुंक करके आवाज आती है, उसमें से कोई ना कोई क्रीकिंग साउंड निकल जाती है। ओ भाई एक्सट्रीम तो बहुत हार्ड है, हार्ड पे लेके चलते हैं। एट अ फास्ट स्पीड है इसमें भी, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा। आई थिंक उसकी स्पीड में फर्क होगा, पर ओके हार्ड पे कोशिश करता हूँ मैं। एक्सट्रीम तो भाई बहुत मुश्किल है। अगर ये लोग क्रीकिंग साउंड भी हटा देना बहुत इजी हो जाएगा फिर जेन्युइनली। ओ मरा, गिर जाता भी नीचे। हाँ ये ठीक है, ये स्पीड ठीक है। आई थिंक मैं इस पे कर सकता हूँ आराम से। ओए रिमोट ये रहा। आराम से तो नहीं पर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इस स्पीड पे मैं उससे ना आउटरन कर जाऊंगा, तो वो चीज सही है। कुछ है यहाँ? देओ मेरे को, नीचे जाओ फटाफट। या ये पॉसिबल है भाई। ओके ये लगाते हैं पहले, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाटरमेलन भाई। एक्सट्रीम मोड में ना इन्हें फुटस्टेप्स अच्छे कर देने चाहिए, वो भी पॉसिबल है। साउंड क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी पर गेम की। आई एम प्रीटी श्योर मैं ग्रैनी को आउटरन कर सकता हूँ इसमें, इतना तेज भाग नहीं रही है वो। ये क्या है? रस्सी की सेफ की। ओके यही वाला सेफ है क्या? दूसरे वाले ब्लैक वाले के लिए तो कोड चाहिए क्योंकि। ओके ये खोलते हैं। देखो कितना साल लगता है भाई ये खुलने में भी। हाँ आवाज कर दे, गांव को जगा दे पूरे। ये डोर की मेन डोर की है, इसे यहीं रख देते हैं। अब वो ऊपर गई है तो मैं नीचे चलता हूँ, क्योंकि नीचे भी कई सारी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पे क्या है? टायर। आ रही दादी। सही है भाई, देख लिया पहले ही। वाह टाइम लग गया काफी आने में इसे। मैं इसकी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है हार्ड मोड में और एक्सट्रीम मोड में? इसमें तो ये फिर भी ठीक लग रही है, उसमें क्या 50 रॉकेट जोड़ देती है अपने पैरों पे। ये कहाँ गई वो? इसके अंदर गई क्या? वहां तो नहीं गई होगी, इतनी फास्ट है वो। वो इधर से ना आ जाए कहीं, पकड़ ले मुझे भाई साहब। मेरे को पता था इतनी फास्ट नहीं है वो। ओके चली गई वो, इधर चलते हैं। अब देख आते हैं इधर भी कुछ है क्या। रेडिएटर। आई थिंक यहाँ पे कार का ही सामान मिलता है भाई। कार तो भूल जाओ तुम, कार इम्पॉसिबल है। पता नहीं किसी ने किया होगा या नहीं। ओके होपफुली दादी इधर ना आ रही हो। मरा। शिट। ओ भाई साहब बच गया। यहाँ पे ट्रैप था? नहीं है, वो ऊपर गई है, विच मीन्स मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। टीवी रखा है यहाँ। ओ क्रिकिंग साउंड थी ये भाई ना, डिफरेंस पता नहीं चल रहा ना। चेक करने आई है वो, क्रीकिंग साउंड थी ये भाई। पता कैसे चले? ऐसा लग रहा था फुटस्टेप है मेरा। इन्हें अपनी साउंड पे काम करना होगा, सच में बहुत जरूरत है। ओके यहाँ देखते हैं कुछ है। किचन चेक मार डालो अभी फटाफट। बैटरी, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है बैटरी की। ना कुछ ना यहाँ। ओह ऊपर जाओ। मरा। टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। भागो, मैं सीधा उधर भाग रहा हूँ। ये जगह खोल देता हूँ, यही एक सेफ प्लेस है मेरे लिए भाई। वो इधर है, नीचे चलें बाथरूम चेक करें फटाफट जाके। कुछ है बाथरूम में? बंद करो इसे, छुपो। आई थिंक वो नीचे गई। भागो तेजी नाल, ट्रैप ना डालो बस इसने। ओके सेफ। इधर कुछ है? नहीं। इधर चेक करते हैं अब भाई, कहीं कुछ मिलेगा। यस ये मिल गई। भागो अभी। अबे ले लेना यार, ये भी ड्रामा है भाई। इधर आ रही है क्या वो ड्रामी? अबे एंटीना। ओके ये तो चाहिए हमें। आई थिंक मैंने टीवी भी देखा था, वो वहीं रखा है उस वाले रूम में। 4756। ओके चेक करने आई है वो। वो ना याद रखती है सारे कहाँ कहाँ मैंने आवाज करी, और वो सारी आवाजों को फॉलो करती रहती है। आई थिंक रीड करती है वो एक तरह से, और फिर वो लिस्ट में लग जाती है और एक एक करके वो चेक करती है। फिर ऐसा सीन है। गई शायद, भागते हैं। 4756 था, मैं डायरेक्ट जाके लगा देता हूँ कोड। 4756। ओके नाइस। इसमें कुछ? ओके ऊपर कुछ नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, मेरे को रूम में देखना पड़ेगा अच्छी तरह और क्या है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, कुछ मिलता तो है नहीं इनमें। ऊपर छत का ड्रॉअर चेक कर लेते हैं एक बार। आई थिंक वो नीचे गई होगी। इधर से निकले। व्हाट, बंद पड़ा ये तो? अभी तो खुल रहा था यार। मैंने ही बंद कर दिया। अब आएगी वो, भागी भागी आई नहीं वो। डोंट टेल मी वो अटक गई है दोबारा। क्या ड्रामा है इसका भी। अबे यार ये अटकी पड़ी है दोबारा।
अब आएगी ना, पलट गई ना वो। क्या बेवकूफ है ये दादी भी। अब इधर से जा रही है, बंद भी जो हो जाता है वो जब भी। मुझे इधर से ही जाना पड़। अबे यार मैं थोड़ा सा हिलता हूँ, क्रीकिंग साउंड हो जाती है। आ रही है वो दोबारा, इधर से आई है। भाग जाऊं क्या? रन। ओ भाई बच गया, भागो। ओके सेफ। ओके अब वो उधर जाएगी ना। या जाने दो थोड़ा सा, फिर मैं वो ड्रॉअर चेक कर लेता हूँ। कुछ है? अबे घटिया एकदम। और क्या चेक करूँ फिर, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। और कुछ ये है? पिक्चर पड़ी है, पिक्चर का अचार डालूँ? है यहाँ पे कुछ? ये क्या है? अबे आउटरन कर जाऊंगा ना मैं लग। या इजी यार, हार्ड मोड तो पूरा डुएबल है। एक्सट्रीम ना मत खेलो। एक्सट्रीम खेलो ही मत। पर कुछ मिला तो नहीं ना मुझे? कोड के अलावा हैमर चाहिए मुझे। आई थिंक मुझे वो डोर जाके चेक करना चाहिए, क्या पता वो डोर खुला हुआ हो। इससे बच, इससे बच। नाइस। ना बंद पड़ा है पजल। इसका मतलब यूवी लाइट ढूंढनी पड़ेगी मुझे। मे भी नीचे जाना चाहिए, क्या पता नीचे यूवी लाइट रखी हो। अबे ये रही न, ये क्या है? मास्टर की है ये तो ये मेन डोर की है। मास्टर की का तो वो तो डोर की। ओ वो डोर की कहीं और की है या मास्टर की लगेगी उस डोर में? नहीं, आई थिंक ये डोर की जो है ना ये ऊपर वाले दरवाजे की है। ये तो ठीक है फिर, मेरे को अपॉर्चुनिटी देगा ये थोड़ा सा। दादी है कहाँ? ये डोर है ना? हाँ यस, खुल गया, बढ़िया। अब मैं एटलीस्ट इसे गोल गोल घुमा सकता हूँ, वो चीज सही है। वहां तक जाने दो इसे। अबे यार ये क्रीकिंग साउंड ना, सही बता रहा हूँ, दुखी कर दिखा है भाई, बहुत गंदा। कुछ है इसमें? इसमें तो कुछ भी ना है। यहाँ कुछ है? कुछ सीक्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। कुछ मिलेगा यहाँ पे? यूवी लाइट कहाँ रखी है कोई बताओ। ओ भागो तेजी नाल, मिल गया फाइनली। यहाँ पे हो सकता है यूवी लाइट मिल जाए, हैमर मिल जाए, दोनों ही यूजफुल है। मैं फ्लैश लाइट बंद कर सकता हूँ एफ दबा के, इसका कोई बेनिफिट है? लाइक ऐसा कुछ है क्या, मेरी फ्लैश लाइट से ग्रैनी को पता चल जाता है कुछ? जाए उधर। हाँ तो नहीं रिवर ड्रामी। ओके क्या आया भाई, क्या है इसमें? स्क्रू ड्राइवर। ऊपर घूम रही है क्या वो? कहाँ घूम रही है? अबे यार उसकी आवाज ही ऐसी है, पता ही नहीं चलता। आई थिंक ये जो मास्टर की है ना, ये मेन डोर की है, इससे जाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ आने का क्या लेगी दादी? ओ भाई कब में आई ये? डरा दिया। ओ दिल भार आ जाता, पागल क्या कर रही है दादी पुड़िया? ये तो बड़ी बेकार यार, अचानक से दप्पा। भागो ऊपर, खोलो इसे। क्या है इसमें पता नहीं। ये एक और डोर की नहीं, पैडलॉक की है ये। चाहिए ये मेरे को? हाँ चाहिए होगी, क्योंकि कार में तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलो सही है। ओके नाइस नाइस, ऊपर जा रही है वो, बढ़िया। ओ शिट, अंदर आ गई वो दोबारा। क्यों भाई पागल है क्या? चलो ये खुल गया। मेरे को हैमर चाहिए और मेरे को वो भी चाहिए, प्लायर। कोई जगह है जो मैं मिस कर रहा हूँ जहाँ पे हैमर या प्लायर मिल सकता है मेरे को? ओ हाँ उधर तो गया ही नहीं मैं, वहाँ टायर होगा क्या? पीछे जाते हैं ना। यूवी लाइट हो प्लीज, टायर है तो इधर। यस कटिंग प्लायर्स, लेट्स गो। लेकिन लाइक वो कहाँ पे है भाई? वो तो मिला ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं वो इलेक्ट्रिक। इसकी भी लोकेशन चेंज होती है क्या? ओके क्या मैं इसे काट सकता हूँ? यस बढ़िया, इसे बढ़िया। और हैमर चाहिए यहाँ के लिए तो, और एक और इलेक्ट्रिक वो चाहिए। बुक का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है। ये तार यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं है क्या? इधर। ओ हैमर मिल गया, लेट्स गो। इधर छुपो पहले, क्लच, बहुत बढ़िया। लेकिन वो दूसरी लाइट ढूंढनी पड़ेगी मेरे को, दूसरी लाइट कैसे काटूं? मेरे पास मास्टर की भी है, हो गया सब कुछ, कुछ और करना ही नहीं है हमें। ओ अंदर गई है वो, भागो, यही मौका है। मैं वो हटा देता हूँ वुडन प्लैंक फटाफट, एंड फिर मास्टर की देखते हैं। ये हटाओ पहले, दैट्स इट, हो गया काम। आई नीड मास्टर की बस। नहीं इसे भी तो खोलना पड़ेगा ना, दूसरे वाले लॉक को। अबे यार ऐसे तो मत किया करो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। आराम से छूट जाता मैं, ये भी कोई बात हुई, मेरी गलती भी नहीं है इसमें। तो ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया मेरे को। इसमें कुछ है क्या? नहीं।
ओके नीचे चलते हैं सीधा, मेरे को दूसरे वाला बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था यार इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लाइक रैंडमाइज होता है, 4-5 बार खेल चुका हूँ मैं, वो हमेशा वही मिला मेरे को, इसी बार है रैंडमाइज और कहीं दिख भी नहीं रहा। भाग के देखते हैं, वैसे तो मेरे को पता है मना कर देगा वो, पर एक बार भाग के देखते हैं। I need to open the other locks. और कौन सा लॉक है? और कोई लॉक तो नहीं है, बस वही है, वही चीज़ है। इस चाबी को यहीं पे रखो, मैं ज़रा उधर जाना है, मैं अपना कटिंग प्लायर ले आता हूँ दोबारा, यहीं पे गिरा होगा ना। या ये वाला डोर भी लॉक है, यूवी लाइट भी नहीं मिली, क्या पता है इसी के अंदर हो सकता है बेसमेंट में हो, मैंने मिस कर दिया हो। ओ यूवी लाइट मिल गई, लेट्स गो, ले ले क्या? अबे बहुत दूर पड़ जाएगा यार मेरे को, नहीं दूर नहीं पड़ेगा, ये तो रहा, हाँ सामने रास्ता है, ठीक है ये चीज ठीक है, यहीं पे गिरा देते हैं प्लायर्स को। मुझे लगता है मुझे वो गेट खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ और ऐसा सामान मिल जाए। क्या ही मिलेगा पर मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे को तो वही चाहिए बस बोर्ड, देखते हैं। दादी दिख जाए ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ अब पता है मेरे को, हाँ वो यहाँ है, वरना इसका भरोसा नहीं है, पता नहीं किस कोने से निकल के आ जाए। ओके उधर ही जा रही है, ये भी अच्छा है, अब मैं भाग जाऊंगा सीधा बाहर, बढ़िया तेजी नाल। फिर से मुझे चक्कर मारना पड़ेगा पर पूरे घर का, ताकि मेरे को ये कोड मिल सके, कहीं भी हो सकता है ना वो कोड। यहीं पे देखूं दोबारा, नहीं है, वैसे तो दूर से ही दिख जाएगा वो हल्का सा, सारे कमरों में मारना पड़ेगा पर मुझे। अरे ये वाला बेड अच्छा है यार, इसमें दिखेगा तो सही, एटलीस्ट ग्रैनी जा कहाँ रही है। ओके बढ़िया बढ़िया, जा उधर। ओ माय गॉड, फिर से वही हो गया मेरे साथ, क्यों? अबे यार फिक्स करो इस चीज को, कितनी बेकार है ये चीज, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता। ये रहा मिल गया, यस डॉट के पास ही है, टॉप राइट टॉप लेफ्ट एंड राइट, टॉप राइट एंड राइट, या कहाँ पे है? ओ सेफ है यहाँ पे तो, नहीं कोड चाहिए इसके लिए तो, कैसा कोड, वही तो बात है। अबे यार मुझे तो सेफ चाहिए ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी वाला देखना है बस। है इस कमरे में कहीं? टाइम वेस्ट करा मैंने, इस कमरे में नहीं है भाई कहीं भी, क्या बकवास है ये, पेंटिंग पड़ी है बस, पीस ऑफ पिक्चर, गड़बड़ है यार ये तो, लाइक कहाँ ढूंढू फिर मैं उसे। अबे ये रहा, मिल गया भाई, लेट्स गो, खत्म, इजी। भाई मैं वहां देखता नहीं ना कभी भी, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, तो मेरे को पता ही नहीं चला। ये तो इजी था बहुत, हार्ड मोड में भी मास्टर की है हमारे पास, वी आर डन। इसने मेरे को सिर्फ 2 बार पकड़ा, वो भी ग्लिच की वजह से, क्योंकि मैं ट्रैप में फंस गया था और टेलीपोर्ट हो गया था, वरना ये पकड़ नहीं पाई ड्रामी मेरे को, ऐसे तैसी कर दी मैंने दादी की। भाई एक्सट्रीम मोड तो यार बहुत इम्पॉसिबल सा है, कैसे ही होगा वो, जो आउटरन करने वाला सीन है ना वो थोड़ा सा टफ है। चलो भाग जाते हैं, हो गया अपना काम। व्हाट आई नीड द एक्स्ट्रा, अबे व्हाट, कौन सी एक्स्ट्रा की भाई, मेरे को भी बता कौन सी की एक्स्ट्रा की। हाँ इसका मतलब मेरे को वो कोड ढूंढना पड़ेगा यार, अबे तो गड़बड़ हो गई यार, मैंने अंधेरा और कर दिया यार। एक्स्ट्रा की तो मेरे को आज तक नहीं मिली है, यही तो नहीं है मास्टर की है ये तो। तो ये जो पीस ऑफ पिक्चर है इसका क्या लाइक सीन है, अब क्या वो भी कहीं अलग जगह पे है, क्या पता इसी से कोड मिलता हो। बच गया, यार ये कोड कहाँ मिलेगा, आई मीन वो मेरे को टाइप करने के लिए कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वैसा होगा कोई पेपर वगैरह होगा जो मेरे को हाथ में पकड़ना होगा। मेरे को दिख ही नहीं रहा भाई कहाँ, ऐसी कौन सी जगह रह गई जो मैंने मिस कर दी, सारी जगह देख ली मैंने तो, यार सबसे ऊपर कुछ नहीं मिला मेरे को, मेरे को लग रहा है वहीं पे ही कहीं कोड गिर गया और मुझे दिखा नहीं है बस। ओ भाई साहब क्या क्लच मारा है खतरनाक, यार यहाँ पे ही कहीं होना चाहिए कोड, है क्या भाई यहाँ, दिख तो नहीं रहा यार कुछ भी। अबे ये रहा ये, what the भाई दिखा क्यों नहीं था, ये इतना पतला है भाई कैसे ही दिख जाए यार बताओ, वो वाइट वाइट वो अंधेरा ही इतना हो रहा है, वहां दिखाई नहीं, वो एक्स्ट्रा की दे मेरे को, अबे ले लेता लिया ही नहीं उसने, थैंक गॉड कोड मिल गया यार, दिमाग खराब हो गया भाई। ओके तो उसमें क्या है मेरे को उठाने का मौका नहीं मिला, बट आई होप एक्स्ट्रा की है उसमें, क्योंकि अगर वो वहां नहीं मिली ना तो मुझे नहीं पता फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। ग्रैनी अभी मत आइयो, देखने दे यार, दिख ही नहीं रहा है भाई। Yes! Oh, भाई हो गया काम, आई एम द बेस्ट भाई, बेस्ट गेमर, इजी इजी।
बालक गेम एक्सट्रीम मोड पे थोड़ा टफ है बट हार्ड कोर में तो नानी याद दिला दी इस दादी को। इसे खोलते हैं। ओके अब लाते हैं मास्टर की और ये हम चले घर। दो डेथ हुई है बस, वो भी ग्लिचेस की वजह से। हार्ड मोड में तबाही मचा रखी मैंने बिल्कुल ही। चलो भाई गुड बाय ग्रैनी। ओ ये इजी। भाई मैंने एक्सट्रीम मोड भी ट्राई कर लिया एंड वो तो भाई बहुत हार्ड है सही में। बट यू नो हार्ड मोड में खेल के मजा आया और फाइनली हम मेन दरवाजे से भाग गए। होप यू गाइस एंजॉयड। अगर तुम्हें पसंद आई आज की वीडियो तो ड्रॉप अ लाइक। लाइक्स बहुत सारी ऐसी वीडियोस पे देख के अच्छा लगता है। एंड सब्सक्राइब अगर तुम्हें ऐसे ही गेम प्लेज और यू नो फनी वीडियोस देखना पसंद है तो। बाकी मैं चला, गुड बाय।